जब तक मम्मा आएगी तुम लोग बड़ी बड़ी हो जाओगी, बड़ी बड़ी हो जाओगी तुम सब। खाने की पैकिंग चल रही है, दोनों में इतने भी दूर जा रही हूँ, पूरा टिफिन पैक कर दिया आंटी ने सुबह सुबह उठ के। जा रही हूँ मैं साइड शक्ल में ना, मेरे को नहीं जा ले जा रही है ना। तो आज मैं रामपुर के लिए निकल गई हूँ। अभी 9:28 हो रहे हैं, मुझे छोड़ने जा रहे हैं आप सबके फेवरेट भैया। भैया मुझे छोड़ने जा रहे हैं, और इन सब में सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी बात, मैं आज ट्रेवल करने वाली हूँ ऑर्डिनरी बस से HRTC से। तो आज HRTC का सफर करेंगे हम रामपुर के लिए। लेट्स सी, मुझे खुद नहीं पता क्या होगा। यहाँ से मिलेगी हमें बस, ये रहा मेरा बड़ा सा बैग, और ये रहे आपके फेवरेट भैया। ओ भैया मुझे मिस करोगे भैया। अरे बैग तो लेने दो। भैया कह रहे वहां कहाँ जा रही है, अगर रामपुर लिखा तो हाथ मारो। ये क्या था, यही है, ये तो रोडू जा रही है। Shit, this was kind of scary. आपको बता के एग्जैक्टली स्केरी क्यों, मतलब मुझे तो ये वाली सीट मिल गई जैसे मुझे फ्रंट से सब दिख रहा है, तो मे बी मेरी तबीयत खराब ना हो, बट बस की हालत है। दिस वन इज माय बैग। मेरा HRTC का पहला ट्रेवल है, और ऊपर से सोलो ट्रेवल। आई कांट से इट इज नॉट कंफर्टेबल, बट देयर इज एन इशू, मुझे शिमला से फिर से बस चेंज करनी पड़ेगी रामपुर के लिए। जो रामपुर वाली बस थी, आई डोंट नो क्या हुआ, वो निकल गई, और किस तरीके से निकली मुझे कुछ नहीं पता है। आई हैव नो आइडिया, जीरो आइडिया। मैं उस टाइम जस्ट उठी थी जिस टाइम वो बस निकल गई है, तो पीछे से जो दूसरी बस आ रही थी, पापा ने उसमें एक सीट के लिए बोल दिया था। और अभी मैं जिस बस में बैठी हूँ, ये बस जा रही है रोड में, मैं शिमला में उतरूंगी, शिमला में मैं जहाँ उतरूंगी वहीं से मुझे दूसरी रामपुर की बस मिलेगी। मुझे मजा आ रहा है। मुझे रामपुर तक ना कोई भी वॉल्वो नहीं जाती है, बट अगर मुझे पता होता कि मुझे शिमला जाके बस चेंज करनी ही है इवेंचुअली, तो मैं यहाँ से वॉल्वो में शिमला जाके फिर नहीं बस चेंज कर लेती। क्या खजलबंदी हो जाती है मेरे साथ हर बार। शिमला पहुंच गई हूँ, और मुझे यहाँ से बस चेंज करनी पड़ रही है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड आई एम काइंड ऑफ पिस्ड ऑफ। मतलब मुझे ना वो हो रहा है, मैं यहाँ से जाना चाहती तो मैं सुबह चली जाती। एक पॉइंट ये था कि चंडीगढ़ से रामपुर तक डिलक्स बस भी जाती है, बट वो जाती है सुबह 5-6 बजे, इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहती थी। और दूसरा रीज़न ये था, मैं वॉल्वो में नहीं आई शिमला तक, उसका रीज़न ये था कि मुझे शिमला में बस ना चेंज करनी पड़े, बट स्टिल मुझे बस चेंज करनी पड़ रही है। तो क्या बोल सकते हैं, बेचारे मेरा बैग लेके ये बस तक छोड़ने जा रहे हैं। हमारा इतना बड़ा बैग और ये थे छोटू सू डिक्की, बेचारे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं उसको। और अभी मुझे सीट भी अपनी मिल गई है, और बस भी चलने वाली है। अब इसके बाद रामपुर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा यहाँ से? 4-5 घंटे। 7 घंटे बोल रहे हो, 7:30 बजे पहुँचेंगे बोल रहे हो। हम लोग ऐसे कभी किसी टाइम पे पहुँच ही जाएंगे। ओके थैंक यू अंकल। मैंने फुल स्लीव्स पहनी है, अदरवाइज मुझे ठंड लगती है। यहाँ पे रामपुर का टेम्परेचर ना फिर भी थोड़ा सा गर्म होता है, रामपुर में ठंड नहीं होती है। बट पॉइंट ये है कि जहाँ से बीच से क्रॉस करना है, शिमला में ठंड होगी, आगे नारकंडा में ठंड होगी, उसके बाद जाके रामपुर में गर्मी होगी। कैसे दिखाऊँ आपको मैं बारिश? हाँ अब दिख रही है। काफ़ी होगी बारिश। बारिश शिमला से हम
यहाँ रुके हुए हैं। और पता है बस में क्या चल रहा है, जैसे स्कूल में छोटे बच्चों की सीट्स एडजस्ट करके नहीं देते हैं कि यहाँ बैठो यहाँ बैठो, यहाँ सामान रखो यहाँ सामान रखो, पूरी एडजस्टमेंट करके देनी पड़ रही है। और हम लोग रुके गए फिर बीच रास्ते में राइट साइड में खड़ी करके गाड़ी, तो पूरी सेटिंग हो रही है पीछे, मतलब वहाँ कहीं पीछे भी कंडक्टर है जो पूरे सेट करके दे रहे हैं इनको, लोगों को बैठना ही नहीं आता है। मुझे ना ये वॉइस ओवर वाली चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है, बट ये मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि इस बस में इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि कुछ पता नहीं चला है मैं क्या बोल रही हूँ। मैं इस टाइम बता रही थी कि ये बस चल रही थी बिल्कुल बैलगाड़ी की स्पीड से, इतना स्लो कि मुझे लग रहा था साइड से पैदल जल्दी चल सकती हूँ मैं। और मुझे इस टाइम पर भूख लग गई थी, तो मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी पैक्ड लंच था जिसमें था पोहा और चीला, तो मैंने आराम से बैठ के अपना पोहा खाया है चलती हुई बस में। मेरे पास इतने अच्छे खासे तीन सीट्स के ऑप्शंस थे, बट स्टाइल मार के मैं फ्रंट सीट पे बैठ गई जहाँ पे कोई सीट बेल्ट नहीं है, और मुझे ना नींद की झपकियाँ आ रही है लेकिन मैं सो नहीं सकती हूँ क्योंकि आप सामने देखो, अगर मैं सोई और बस की ब्रेक लगी तो मैं सीधा शीशा फाड़ते हुए आगे जाऊँगी बस के, तो अब मैं सो भी नहीं सकती हूँ और मुझसे जागा भी नहीं जा रहा है। जितने भी आपको ढके हुए पेड़ दिख रहे हैं ना, ये सारे एप्पल के पेड़ हैं जिनको ओलों से बचाने के लिए इस तरीके से ढका जाता है। ओके, सो ऐसा चल रहा है आज हमारा पहला HRTC की बस का सफ़र, ये रही हमारी सवारी आज की। और इससे पहले लिटरली आपने मेरी आवाज़ में कुछ नहीं सुना होगा, आई मीन आवाज़ मेरी ही सुनी होगी बट वैसे नहीं सुनी होगी। मुझे ये नहीं आइडिया था बिल्कुल भी कि इस बस में इतनी ज़्यादा खड़खड़ 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 की आवाज़ आएगी, प्लस मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो इतना ज़्यादा हिल रहा है ना कैमरा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना गंदा व्लॉग मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया होगा। चाय वगैरह पीने के लिए किसी छोटी सी जगह पे सब लोग रुके हैं। मुझे सिर्फ ये पता है कि हमने मतियाना क्रॉस कर लिया, हमने नारकंडा क्रॉस कर लिया। आई डोंट नो एग्जैक्टली हम अभी कहाँ पे हैं, बट यहाँ पे ठंड है। और आपको पता है लिटरली मैं सुबह एक शर्ट पहन के आने वाली थी, थैंक गॉड मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा डिसीजन मैं अब रिग्रेट नहीं कर रही हूँ कि मैंने हुडी डाल लिया, बट ये है कि मुझे इसमें भी ठंड लग रही है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, तो आई मिस चंडीगढ़। और अब मैं वापस अपनी सीट पे जा रही हूँ, अभी हाफ ऑफ द बस इज एम्प्टी, दैट वन इज माय सीट। मुझे ये था कि एटलीस्ट मुझे सामने से सब कुछ दिखता रहे सो दैट मेरी तबीयत ना ख़राब हो, क्योंकि मेरी तबीयत लिटरली कार में भी ख़राब होती है, तो बस और वो भी ऑर्डिनरी बस, इसमें मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। बट मेरा 75% सफ़र बहुत अच्छे से निकल गया है, 25% बचता है, और मुझे वापस जाने की पहले से टेंशन हो रही है कि मुझे यहाँ से वापस चंडीगढ़ भी जाना है।
फाइनली रामपुर पहुंच गई बहुत जद्दोजहद के बाद। लेकिन जब मैं ऑर्डिनरी भी आई, डिलक्स चलती है लेकिन वो सुबह बहुत जल्दी चलती है ना, तो उस चक्कर में मैंने सोचा कि मैं थोड़ा लेट निकलती हूँ। लेट निकलने के चक्कर में जो बैंड बजी है ना, वापस मैं डिलक्स में जाऊंगी। वॉल्वो तो नहीं आती ना यहाँ, हाँ तो ऑर्डिनरी में आई हूँ। बट इन्होंने मेरे साथ पता क्या किया, लास्ट टाइम मेरा शूट था तब भी यही थे मनाली में। मैं पहुंच गई हूँ, मैं बस स्टैंड पर खड़ी हूँ, मेरे को फोन कर रहे हैं, कह रहे मेरी गाड़ी तो जम गई है, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, और मुझे कम से कम 20-25 मिनट वेट करवाया उसके बाद लेने आए हैं। और अभी भी मैंने इनको इतनी देर पहले का बताया कि मैं पहुंच गई हूँ, तो मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। और जब मैं बस स्टैंड पहुंच गई तब मुझे बोल रहे हैं कि अब मैं 5 मिनट लगाए सिर्फ। चलो साहब आपने, हाँ चलो अभी 5 मिनट लगाए हैं ये लोग पहुंच गए लेने के लिए। बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं रामपुर पहुंच गई फाइनली, फुल फ्लेश्ड, जिंदा, अच्छी खासी। अभी हम न्यू बस स्टैंड से ओल्ड बस स्टैंड आए थे बनानास लेने के लिए, तो अभी मुझे याद आया यार ये क्या हो गया, शिट ये क्या हो गया, ओह नो, नहीं अंकल आपने, मैं यहाँ रहती थी, ये पहले ये बस स्टैंड था, यहाँ पे बसेस खड़ी होती थी ना, ओह शिट, आपको पता है यहाँ पे होता था उस टाइम पे घर जब छोटी सी होती थी मैं, ये पूरा एक घर था उसके आगे बहुत बड़ा सा वो था, छत सी बहुत बड़ी थी, ओह नो, ये तो बस स्टैंड नहीं था, ये बस स्टैंड था ना, इसके ऊपर पापा का रेजिडेंस था, पापा का क्या मतलब हमारा रेजिडेंस था, मैं यहाँ रहती थी बचपन में, बस चलो यही देखना था। चेंज हो गया, ओह माय गॉड, मैं रामपुर पहुंच गई आप पहले रामपुर में रहते थे? मतलब जब मैं छोटी सी थी ना, 5 साल तक, मैं 5 साल की थी जब रामपुर से शिफ्ट कर गए थे, इसलिए मुझे इतना ऐसे याद नहीं है, बट मैं यहाँ रहती थी। बहुत अंधेरा था, आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं, मेरा हाथ और बनाना से दिखेंगे बस। बट ये हम पहुंच गए हैं, ये रहा गेस्ट हाउस, पता नहीं मैं क्या दिखा रही हूँ यार, अंदर जाके दिखाती हूँ, बहुत अंधेरा है। ये है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों का गेस्ट हाउस, यहाँ पे जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, स्मॉल ड्रेसिंग रूम, इस साइड है वॉशरूम। और अभी मैं बाहर देख के आई हूँ, बाहर ना बड़ा प्यारा सा व्यू है जो आप लोगों को सुबह ही दिखेगा, अभी कुछ नहीं दिखेगा यहाँ से बाहर, पर व्यू बहुत अच्छा है बाहर का, और ये डोर बहुत टाइट है जो मुझसे खुलता ही नहीं है। तो या मैं पहुंच गई हूँ, अब मैं करूँगी रेस्ट, मतलब मैं खाना खाने जा रही हूँ पहले, थोड़ा सा फ्रेशन अप होके, उसके बाद मैं जल्दी से सो जाऊँगी। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। कल मैं आपको रामपुर में और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगी, मतलब जो जो चीज़ें मुझे याद होगी, घर का तो जो मेरा घर था उसकी तो लाइब्रेरी बन चुकी है, वो तो मैंने खुद ही देख के मैं शॉक में चली गई थी, बट यहाँ मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई।